दोस्तों, भारत का हर नौजवान अपनी जिंदगी में एक ना एक बार तो गोवा के दर्शन जरूर करना चाहता है। समुद्र के किनारे बसा गोवा खूबसूरती के साथ साथ एक अनोखे रहन सहन और कल्चर का भी प्रतीक है, जहां आपको हर तरह के लोग देखने मिल जाएंगे। भारत में जितनी आजादी और जिंदा दिली के साथ लोग गोवा की सड़कों पर टहलते ना, उतना आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। और यहाँ की नाइट लाइफ की तो बात ही कुछ और है। शराब से लेकर शबाब तक हर एक चीज गोवा मौजूद है। और ये सब तो कुछ भी नहीं है, गोवा में ऐसी बहुत सी चीजें जिनके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, गोवा एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर एक युवा एक ना एक बार जरूर जाना चाहता है, ताकि वो अपनी जिंदगी को फुल टू एंजॉय कर सके। क्योंकि अगर भारत में रहकर आप अच्छी तरह से नाइट लाइफ और बाकी चीजों को एंजॉय करना चाहते हैं, तो गोवा से अच्छी जगह आपको नहीं मिलेगी, जहां पर आपको हर चार कदम पर एक ना एक बार देखने मिल जाएगा, जो धड़ाके से चलता भी है। तभी तो पूरे गोवा में 7,000 से भी ज्यादा बार मौजूद है जिन्हें सरकार से लाइसेंस मिला हुआ है। दोस्तों, गोवा दुनिया के उन जगहों में से एक है जहां पर सुबह नाश्ते के साथ बियर के जाम लगाए जाते हैं। यहां पर किसी भी तरह का कोई पर्दा नहीं है, हर कोई बिल्कुल फ्रीडम के साथ यहां पर रह सकता है। क्योंकि यहां की सुबह जितनी ताजी और रिफ्रेशिंग होती है, शाम उतनी ज्यादा मैजिकल होती है, क्योंकि गोवा को यहां की नाइट लाइफ और पार्टी के लिए पहचाना जाता है। दोस्तों, गोवा में यूं तो कई सारे अलग अलग नाइट क्लब्स मौजूद हैं जहां की रातें बड़ी रंगीन होती हैं, लेकिन यहां दो सबसे प्रसिद्ध नाइट क्लब्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जिनमें से एक का नाम है टीटोस कैफे और दूसरे का नाम है मीमोस कैफे। दोनों इन जगहों पर गलियों में घूमते हुए सड़क किनारे बने किसी भी रेस्टोरेंट में आप अच्छा खाना और संगीत का मजा ले सकते हैं। और दोस्तों, नाइट क्लब्स के अलावा भी बीच पर बनी कुछ छोटी जगह हैं शानदार पार्टीज के लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन मानी जाती हैं। और हॉलीडे वगैरह पर तो आम दिनों के मुकाबले बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, क्योंकि गर्मियों में भारत के अलग अलग राज्यों से युवा यहाँ मौज मस्ती करने आते हैं, तो वहीं यूरोप के नागरिक यहाँ सर्द मौसम में आना पसंद करते हैं। हालांकि गोवा की लाइफस्टाइल जितनी शानदार और एंजॉय करने वाली है, यहाँ पर पैसा भी उतनी ज्यादा खर्च होता है। इसी वजह से लंबी छुट्टियां मनाने के लिए पैसे वाले लोग इसी जगह को चुनते हैं, क्योंकि गोवा में किसी भी तरह की कोई पाबंदियां देखने को नहीं मिलती। आपको सबसे खुले विचारों वाले लोग गोवा में देखने मिलेंगे, जो किसी के पहनावे या उसके बोलने या रहने के ढंग पर उसको बिल्कुल भी जज नहीं करते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर रहने वाले लोगों से ज्यादा टूरिस्ट आपको देखने को मिलेंगे, जो बड़े मजे से यहाँ की जिंदगी एंजॉय करते हैं। अगर हम यहाँ की बाकी चीजों की बात करें तो कैंटोलिन बीच, कोलवा बीच और बागा बीच यहाँ के सबसे बड़े बीच हैं। यहाँ की राजधानी पणजी है और इसके अलावा मडगांव, वास्को और पौंडा गोवा के प्रमुख शहर हैं। बस एक बात तो कहनी पड़ेगी कि गोवा भारत की आन बान और शान बना हुआ, आधे से ज्यादा टूरिस्ट आपको गोवा के बीच पर ही नजर आएंगे। गोवा को देखकर ऐसा लगता है मानो आप किसी अलग ही देश में पहुंच गए। भारत से पूरी तरह से अलग थलग बसा हुआ गोवा वाकई में बहुत शानदार है, लेकिन अक्सर लोगों को इस शानदार जगह के बारे में गलतफहमी हो जाती है। यहाँ ज्यादातर क्रिश्चियंस रहते हैं, ये बात बिल्कुल सच नहीं है। भले ही आपको गोवा में बहुत सारे चर्च मिलेंगे, लेकिन यहाँ रहने वाले हिंदुओं की संख्या बिल्कुल कम नहीं है। आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो गोवा में लगभग 50% के आसपास आबादी हिंदुओं की है और बाकी 30% से ज्यादा आबादी ईसाई धर्म के लोगों की है, और जो बचे हैं वो बहुत जैन और दूसरे धर्मों से ताल्लुक रखते हैं। दोस्तों, भले ही गोवा सबसे छोटा राज्य हो, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे अमीर राज्यों में से एक। आंकड़ों के अनुसार यहां सभी भारतीय राज्यों की तुलना में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। वैसे गोवा में और भी कई सारी चीजें आपको अनोखी देखने को मिलेंगी, क्योंकि एशिया का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज गोवा में ही स्थित है, जिसे 18वीं शताब्दी में पुर्तगाल शासन द्वारा बनाया गया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, पहला प्रिंटिंग प्रेस भी गोवा के सेंट पॉल कॉलेज में चालू किया गया था, जो पूरे एशिया का सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस है। वैसे बात इतने पर खत्म नहीं होती, क्योंकि पूरे भारत का सबसे पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल भी गोवा में ही बना था, जिसका नाम सेंट जोसेफ हाई स्कूल है। आप यकीन नहीं करेंगे, गोवा का 33% हिस्सा पूरा का पूरा जंगल है, और यहाँ पर 279 प्रकार की अलग अलग प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। 40 से भी ज्यादा प्रकार के जानवर और सांप गोवा में भरे पड़े। गोवा में इतने पेड़ हैं जितने आपको शायद कहीं और देखने को नहीं मिले। लोग यहाँ आकर खुली हवा में सांस लेते हैं, और यहाँ शांति भी बहुत है। ऊपर से आपको गोवा में ट्रैफिक बहुत कम देखने को मिलेगा, या फिर कह लीजिए ना के बराबर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ लोग काम करने के लिए इधर उधर भागते नहीं, बल्कि शांति और रिलैक्स होकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं। दोस्तों, गोवा भारत में होने के बावजूद यहाँ पर पुर्तगाली संस्कृति आपको देखने मिलेगी, क्योंकि पहले ये पुर्तगाल के कब्जे में था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, गोवा में लगभग 450 सालों तक पुर्तगाल ने अपना कब्जा करके रखा, और यहाँ के जो मूल निवासी हैं उन्हें अपनी विरासत पर गर्व है, इसीलिए उन्होंने अपनी पुरानी इमारतें वगैरह बहुत अच्छे से संभाल रखी हैं। आपके पास जानकर हैरानी होगी कि गोवा में 2 स्वतंत्रता दिवस मनाए जाते हैं। यह एक 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में और दूसरा 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। दरअसल साल 1947 में भारत के आजाद होने के बाद भी गोवा भारत का हिस्सा नहीं था, इसे पुर्तगालियों ने अपने कब्जे में ले रखा था। पुर्तगालियों ने साल 1510 से 1961 तक यानी कि 451 सालों तक गोवा में राज किया। गोवा की आजादी की लड़ाई में
राम मनोहर लोहिया का बहुत बड़ा योगदान था, इसके लिए उन्हें जेल जाना पड़ा। उन पर 5 साल के लिए घुमाने से प्रतिबंध लगा दिया, फिर भी उन्होंने लड़ाई नहीं छोड़ी और 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सशस्त्र सेना द्वारा ऑपरेशन चलाया गया, जिसे गोवा मुक्ति संग्राम या गोवा मुक्ति आंदोलन कहते हैं। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन विजय नाम दिया गया। दोस्तों, इस सैन्य कार्रवाई में जल थल वायु तीनों सेनाओं ने भाग लिया। दोस्तों, यही सब कारण है कि 1961 से पहले गोवा में पैदा होने वाले व्यक्ति के पास दोहरी नागरिकता मौजूद है, एक पुर्तगाल की और एक भारत की, यानी कि वो दोनों देशों का नागरिक कहलाता है। परंतु इतने लंबे समय तक पुर्तगाल के यहाँ शासन होने की वजह से यहाँ की अधिकतर आबादी ईसाई धर्म को मानती है और उसी धर्म के हिसाब से रहती है। तो दोस्तों, आप लोगों ने गोवा की मॉडर्न जिंदगी के बारे में तो सुन लिया और उसके इतिहास के बारे में भी सुन लिया, लेकिन गोवा की सबसे अनोखी चीज के बारे में शायद ही किसी को पता होगा, और वो अब हम आपको बताते हैं, क्योंकि शायद ही किसी को पता होगा। उत्तर गोवा में एक गुफा है जिसे पांडव गुफा कहते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में निर्वाचन के दौरान पांडव इसी गुफा में रहते थे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो गोवा के बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। उसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।